close your eyes. तो हेलो गाइस, आज हम नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम के हॉरर जॉनरा को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको साइफाई, हॉरर, थ्रिलर और ब्रूटल किलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। इन हॉरर मूवीज में अडल्ट सीन्स भी होने वाले हैं, सो इसलिए आप इन मूवीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इन मूवीज के यूनिक हॉरर कॉन्सेप्ट देख के आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे आने वाली मूवी है मार्गोक्स। इस मूवी में आपको हॉरर, थ्रिलर और साइंस फिक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी की स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए एक घर रेंट पे लेते हैं। ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं होता, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और इस पूरे घर में AI इंस्टॉल्ड होती है, जो इस घर के पूरे सिस्टम को चलाती है। स्टार्ट में ये लोग इस घर को देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं, बट सडनली इस घर के AI में कुछ एरर आ जाता है, जिसकी वजह से ये AI इन लोगों को एक एक करके मारने लग जाता है। तो आखिर AI में क्यों प्रॉब्लम आई और ये लोग AI से कैसे बच सकेंगे, वो आप मूवी देख के जानो। इस मूवी रेटिंग मिली है 4.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 4 वाली मूवी है इंसीडियस द रेड डोर। इस मूवी में आपको हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर देखने को मिलेगा। ये मूवी इंसीडियस मूवी सीरीज का 5th चैप्टर है। इस मूवी की स्टोरी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर डाल्टन, जो कि अब बड़ा हो चुका है और अपनी स्टडी के लिए आर्ट कॉलेज ज्वाइन करता है। कॉलेज में उसे आर्ट के दौरान हॉरर विजुअल्स नजर आते हैं और साथ में उसको एक रेड डोर नजर आता है, जिसका कनेक्शन उसकी पास्ट लाइफ से होता है। अब नेक्स्ट मूवी में वो इससे कैसे डील करेगा और इस रेड डोर का क्या सीन है, वो आप मूवी देख के जान सकते हो। इस मूवी का हॉरर थ्रिलर आपको जरूर पसंद आएगा। इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 3 पे आती है देयर इज समथिंग इनसाइड योर हाउस। इस मूवी में आपको हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस देखने को मिलेगा। इस मूवी की स्टोरी में स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी सडनली एक मास्क वाला किलर उनमें से एक लड़के को उसके घर में बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार देता है, जिसके बाद बाकी बच्चों के बीच डर सा बैठ जाता है। अब वो किलर इन बच्चों को डराने के लिए इनके स्कूल की दीवारों पे भी कुछ लिख जाता है। अब बच्चे इस साइको किलर से कैसे बचेंगे और ये बच्चों को क्यों मार रहा है, ये सस्पेंस आप मूवी देख के जान सकते हो। इस मूवी को रेटिंग मिली है 4.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 2 पे आने वाली मूवी है डार्क हार्वेस्ट। इस मूवी में आपको हॉरर, फैंटेसी, ब्रूटल किलिंग सीन देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी रिचर्ड शेफर्ड के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, जिसका भाई कहीं गायब हो गया है। अब ये एक मिस्ट्री है कि वो कहाँ गायब हुआ। इन द अदर हैंड इस मूवी का विलन, जो कि एक डीमन होता है, जो मकई के खेत से निकलता है और लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारता है। अब इस डीमन का रिची के भाई के गायब होने से क्या कनेक्शन है और रिची इस डीमन का क्या हाल करेगा, वो आप मूवी देख के जान सकते हो। इस मूवी में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 1 वाली मूवी है द कॉन्फ्रेंस। इस मूवी में आपको कॉमेडी, हॉरर, मिस्ट्री और ब्रूटल किलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी की स्टोरी में कुछ लोग काम के चक्कर में एक जगह से किसी दूसरी अनजान जगह पे मूव करते हैं। वहाँ पे कुछ दिन एंजॉय करने के बाद सडनली एक मास्क वाला किलर आता है और एक एक करके उन लोगों को काफी बेदर्दी से मारता है। तो आखिर ये मास्क वाला बंदा कौन है और इन लोगों को क्यों मार रहा है, वो आप मूवी में देख सकते हैं। अगर आपको ब्रूटल किलिंग सीन्स देखना पसंद है तो इस मूवी में होने वाली चीरफाड़ आपको जरूर मजा देगी। तो ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। टॉप 5 नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम हॉरर थ्रिलर मूवीज। उम्मीद है आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, सो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी बेस्ट मूवीज के लिए आप इस चैनल की बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।